श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध षष्ठो अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत। पिछले अध्याय में हमने सुना कि ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के वैकुंठ लोक पहुँचते हैं, परंतु वहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तब वो ब्रह्मा जी स्वयं वेदवाणी से भगवान की स्तुति करते हैं। अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उगे हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि अर्थात पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में कर धनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनंत है, उन पर ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पांच रात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी आप यह आप ही में स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसीलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न और जल और तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ, जिस प्रकार दवाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर की आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साथी हैं,
अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्थिति सुनकर उसी समय उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के साथ जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर से फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्र आदि देवता राजा वलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापति के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुँचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कहीं जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्टनेम और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिघ के समान थीं, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत की बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र बलि आदि सबके सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला।
उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे। मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद षष्ठो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।